हेलो दोस्तों, आज है मार्च की 24 तारीख और ये है मेरे इंटरनल गार्डन का लुक। देखिए, इस समय सभी पौधे बहुत ही ज़्यादा ब्लूमिंग पे हैं, ग्रोथ पे हैं, चाहे वो सर्दियों के पौधे हो या गर्मियों के पौधे हो। अभी तो ये इंटरनल गार्डन का लुक है। बाहर वाला गार्डन भी मेरा बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग पे है। कनेर में तो इतने ज़्यादा फूल आ रहे हैं इस समय कि पूरा पेड़ ही फूलों से लदा लद है। तो क्योंकि मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा पौधे हैं, लगभग 50 से ज़्यादा वैरायटी है मेरे गार्डन में पौधों की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक एक करके सभी पौधों का इंट्रोडक्शन और उनकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी जाए। तो सबसे पहले नंबर पे जो पौधा लगा हुआ है वो है ये जेरेनियम प्लांट। देखिए, अप्रैल आने को है फिर भी इस पे कितनी ज़्यादा ब्लूमिंग हो रही है और इसमें गुच्छे में फूल आते हैं और अलग अलग रंग के फूल आते हैं। इसमें आप सफ़ेद रंग ले सकते हैं, पिंक रंग में भी इसके फूल आते हैं और गुच्छों में जब ये लद जाता है पौधा तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही खूबसूरती भर देता है आपके गार्डन में। क्योंकि ना सिर्फ इसके फूल बल्कि इसकी पत्तियों का टेक्सचर और इसकी पत्तियों का डिज़ाइन भी किसी गुलदस्ते से कम नहीं है। तो ये पौधा अपने आप में ही पूरा गुलदस्ता लगता है। देखिए, ये 10 इंची के पॉट में लगा हुआ है, 10 इंची के प्लास्टिक के पॉट में, और बहुत अच्छे से ग्रोथ और ब्लूमिंग ले रहा है। जबकि अप्रैल आने को है और इसका मौसम अब लगभग ख़त्म होने को है, क्योंकि ये पौधा मेनली सर्दियों का पौधा माना जाता है, यानी अक्टूबर से लेके फरवरी मार्च या ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल स्टार्टिंग तक ही इसमें ब्लूमिंग होती है, यानी फूल उगते हैं। उसके बाद से फूलों का साइज़ बहुत छोटा होने लगता है या लगभग फूल ख़त्म ही हो जाते हैं। पर इस पौधे की खासियत ये है कि ये पूरे साल आपके गार्डन में बना रहता है, फूल नहीं भी प्रोड्यूस करता, फिर भी ये पौधा जो है वो अपने आप में ही पत्तियों के साथ जो है वो पूरे साल आपके गार्डन में बना रहता है। पर उसकी भी कुछ शर्तें हैं, यानी कि अप्रैल मिड के बाद से ही जब गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगती है और टेम्परेचर ड्रास्टिकली बढ़ने लगता है, ख़ास करके नॉर्थ इंडिया या दिल्ली में, तो उस समय इसे पेड़ों की छाँव में रखना या पेड़ों के साथ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए, जैसे कि ये हिस्सा है मेरे गार्डन का, इसमें पाम बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, तो किस तरह से मैंने अभी से ही ऐसे प्लांट्स को जो है इनकी छाँव में रख दिया है जो प्लांट्स पे फ्लावरिंग हो चुकी है या फ्लावरिंग होके सूख चुकी है, उनको मैंने पेड़ों की छाँव में रख दिया है। देखिए, जैसे कलंचो है, डायंथस है, ये सब अभी पेड़ों की छाँव में लगे हुए हैं, क्योंकि ये भी परमानेंट पौधे हैं पर फ्लावरिंग जो है वो अक्टूबर से मार्च ही करते हैं। पर अगर इनको बचाया जाए तो ये पूरे साल बच जाते हैं। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनको धूप से फ़र्क नहीं पड़ता पर टेम्परेचर से फ़र्क पड़ता है, यानी कि इन्हें जितना भी आप बचाने की कोशिश कर लीजिए ये नहीं बच सकते हैं गर्मियों में। उनमें से ये है पिटूनिया का पौधा, इसे आप जितनी भी बचाने की कोशिश कर लीजिए ये अप्रैल मई में मरता ही मरता है, क्योंकि इसे मेन धूप से प्रॉब्लम नहीं है, इसे प्रॉब्लम है टेम्परेचर बढ़ने से। तो चलते हैं वापस अपने जेरेनियम के पौधे की तरफ। तो देखिए, ये 10 इंची के पॉट में बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसे आप ज़्यादा बड़ा पॉट भी ना दीजिए, 10 इंची के पॉट में ही ये अच्छे से ग्रोथ करेगा और 1 से 2 साल बाद इसकी रीपॉटिंग कीजिए या रूट प्रूनिंग करके दोबारा इसी में भी लगा देंगे, तब भी ये अच्छे से चल जाएगा। बात की जाए इसकी कटिंग से ग्रोथ की, तो ये कटिंग से भी बहुत अच्छे से ग्रोथ ले लेता है। इसका बेस्ट टाइम है कटिंग से लगाने का नवंबर दिसंबर या बारिशों का मौसम, पर इसे मॉइस्चर से बचा के रखना है जैसा कि मैंने बताया, और धूप बिल्कुल नहीं लगानी है।
गर्मियों के टाइम पे, सर्दियों में इसे पूरी धूप में रखें, यानी अक्टूबर से लेके मार्च या ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल मिड तक इसे खुली धूप में आप रख सकते हैं या पार्शल धूप में रख सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपको रिजल्ट देगा। देखिए इसके साथ में ही गुलाब भी खिला हुआ है और उसका भी रंग लाल है, पर फिर भी जेरेनियम की जो ग्रेस है, जेरेनियम का जो लाल सुरख रंग है, वो अलग ही निखर के आता है। तो ये हालांकि ज्यादा बड़ा पौधा नहीं है, अगर आप देख पाए तो मेरे गार्डन में और भी बहुत बहुत बड़े पौधे और गमले लगे हुए हैं, पर ये जो पौधा है ये अलग ही दिखता है, इसकी ये खासियत है। तो ये बहुत ही खूबसूरती भर देने वाला पौधा है आपके गार्डन में। बात की जाए इसकी फीडिंग रिक्वायरमेंट्स की या खाद या फर्टिलाइजर की, तो इसे आप एनपीके 19:19:19 दे सकते हैं। उसी से देखिए इतनी ग्रोथ हुई है। मैंने भी इसे एनपीके 19:19:19 दिया था, साथ में नीम खली का फर्टिलाइजर दिया था। तो देखिए कितनी ज्यादा ग्रोथ हो गई है। तो नीम खली दो तरीके से आप दे सकते हैं, या तो आप पानी में 2-3 दिन भिगा के रखिए और बीच में एनपीके डाल दीजिए और उसको हिलाते रहिए, धूप में रख दीजिए। जब वो सड़ जाएगा तो उसका फर्टिलाइजर बन जाएगा और 2 दिन बाद उसे पानी के साथ मिक्स करके इन्हें दे दीजिए, या फिर आप एक मुट्ठी नीम खली लेके इनकी मिट्टी में मिला दीजिए और गुड़ाई कर दीजिए और ऊपर से पानी दे दीजिए। तो मैंने दोनों ही तरीके से इसे नीम खली दी थी और एनपीके भी दिया था, साथ में वर्मी कंपोस्ट दिया था। तो देखिए ये है रिजल्ट। हर पौधे पे फूल ही फूल है, और जेरेनियम पे वापस आए तो इस पौधे का तो ग्रेस ही अलग है, बात ही कुछ अलग है। तो ये मेरा सर्दियों का फेवरेट प्लांट बन चुका है। पिटूनिया भी बहुत अच्छा प्लांट है, पर पिटूनिया से अच्छा मुझे ये इसलिए लगा क्योंकि पिटूनिया अप्रैल से मरना शुरू हो जाएगा मार्च के बाद, पर ये जो है पूरे साल अगर फ्लावरिंग नहीं करेगा तो अपने बहुत ही खूबसूरत पत्तों को लिए हमारे गार्डन में बना रहेगा और खूबसूरती पे 4 चांद भी लगाता रहेगा। पानी की बात करें तो पानी इसे तभी देना चाहिए जब ऊपर की मिट्टी जो है, यानी ऊपर की सतह जो है, आपको बिल्कुल ही सूखी दिखाई दे, पर अभी तो इसकी मिट्टी बिल्कुल ही गीली है तो इसे बिल्कुल भी हम पानी नहीं देंगे। तो देखिए बहुत ही लेस केयर है इसकी, पर हाँ ये बहुत ही हैवी फीडर होता है, यानी कि इसे खाना बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, फर्टिलाइजर्स, ये सब मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए होती है इस पौधे को। तो ये देखिए गुच्छों में फ्लावरिंग करता है, और मुझे पर्सनली इसका लाल रंग ही सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसका लाल रंग कुछ अलग ही ग्रेस ला देता है गार्डन में। इतना सुरख लाल रंग है इन फूलों का कि दूर से ही दिखते हैं।